In this question, we want to determine the value of square root of 3x square minus 7x minus 30 minus square root of 2x square minus 7x minus 5 is equal to x minus 5. तो सी यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो सबसे पहले हमें स्क्वायर रूट रिमूव करना होगा. तो हम कैसे करेंगे, लेट्स सी. तो क्या करता हूँ मैं, इस साइड में जो हमारी टर्म है रूट 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30 इसे तो इस साइड में रहने देता हूँ. बट जो दूसरी टर्म है हमारी रूट 2x स्क्वायर उसे मैं राइट हैंड साइड में ले आता हूँ. तो हो जाएगा क्या, हो जाएगा प्लस के साथ में स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5. ओके नाउ अब दोनों साइड क्या करता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ. तो जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो लेट्स सी क्या होगा. तो स्क्वायर करते ही इसका स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा. तो जाएगी इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ से हो जाएगी इक्वेशन, इस साइड का स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस इसका भी स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा एक बार के लिए, क्योंकि a प्लस b के होल स्क्वायर में कहता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दोनों का. तो b स्क्वायर वाले टर्म में क्या जाएगा 2x square minus 7x minus 5. Okay? Now, अब एक टर्म हमारे पास में आएगी प्लस 2ab वाली, तो उसमें आएगा 2 into x minus 5 into square root of 2x square minus 7x minus 5. Okay? Now, इसे सिंप्लीफाई करते हैं. ठीक है, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, जो हमारे x square वाले टर्म्स है सबको ऐड कर लेंगे. ठीक है, तो इस साइड है हमारे पास में 3x square minus 7x minus 30, इधर से क्या जाएगा, यहाँ से आएगा हमारे पास में x square minus 10x plus 25 plus 2x square minus 7x minus 5 plus 2 times of x minus 5 into square root of 2x square minus 7x minus 5. ओके okay? नाउ यहाँ पे 3x स्क्वायर और यहाँ पे भी 3x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा. ओके माइनस 10x और माइनस 7x और क्या, यहाँ पर हमारे पास में क्या क्या माइनस 10x और यहाँ से माइनस 7x तो जाएगा माइनस 17, इस साइड ले जाएंगे तो क्या जाएगा प्लस 17. तो 17x माइनस 7x इज 10x. 25 प्लस 25 और माइनस 5 20, इस साइड ले जाएंगे तो क्या जाएगा माइनस 50. तो 10x माइनस 50 इज इक्वल टू व्हाट, 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 5 इनटू what square root of 2x square minus 7x minus 5. okay ठीक है, अब क्या कर सकते हैं इसी, यहां से अगर हम देखेंगे दोनों साइड में तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अगर मैं इसमें से क्या करूं 10 कॉमन ले लूं तो या इसे डिवाइड कर दूं 2 से तो क्या जाएगा, ये इस पूरी इक्वेशन को इस साइड ले आता हूं, पूरी इक्वेशन को सबको लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये लिखा हुआ है 10 टाइम्स ऑफ x minus 5 minus 2 times of x minus 5 square root of 2x square minus 7x minus 5, ये वैल्यू जाएगी इक्वल टू 0. अब x minus 5 अगर मैं कॉमन ले लूं, ठीक है सॉरी 2x minus 5 अगर मैं कॉमन ले लूं तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहां से हो जाएगा बचेगा क्या यहां पे ओनली 5, तो जाएगा 5 minus square root of 2x square minus 7x minus 5 is equal to 0. okay, तो अब आइदर क्या हो सकता है, x minus 5 क्या हो जाए equal to 0 हो जाए, और क्या हो जाए, एक पॉसिबिलिटी है कि square root of 2x square minus 7x minus 5 क्या हो जाए equal to 5 हो जाए. ठीक है, तो यहां से तो हमारे पास सॉल्यूशन आ गया x is equal to 5, और यहां के लिए क्या करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे. तो जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो इक्वेशन क्या जाएगी, इक्वेशन आएगी 2x square minus 7x minus 5 is equal to 25. तो इस लेफ्ट हैंड साइड में आके इक्वेशन क्या जाएगी 2x square minus 10 सॉरी माइनस में क्या है 7x और माइनस में आ जाएगा 30 is equal to 0. ओके okay? अब इसके फैक्टर्स में क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं 2x square minus माइनस क्या कर सकते हैं, आइदर हम इसमें क्या करें डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, क्योंकि हमें तो x की वैल्यू डिटरमाइन करनी है. तो x की वैल्यू क्या जाएगी माइनस बी, तो माइनस ऑफ माइनस 7 प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 इसी तो जाएगा 7 स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू माइनस 30 इंटू 2 और अपॉन में क्या जाएगा 2 इंटू 2. तो वैल्यू क्या जाएगी यहां से सिंप्लीफाई करने पे तो जाएगा 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ
49 plus 120 is 169 अपॉन 4, तो वैल्यू क्या जाएगी यहाँ से 7 प्लस माइनस 13 बाय 4, तो रहेगा 7 प्लस माइनस 13 बाय 4, तो अब दो वैल्यूज आ सकती हैं यहाँ से, प्लस 13 करेंगे तो आएगा क्या, आइदर हो जाएगा 20 बाय 4 और क्या हो सकता है माइनस 6 बाय 4, तो x के हमारे पास में दो वैल्यूज आई, x इज इक्वल टू 5 और माइनस 3 बाय 2, तो 5 तो हमारा पहले ही आ चुका था, ठीक है, तो बचा क्या दूसरा सॉल्यूशन माइनस 3 बाय 2, सो आंसर क्या है हमारे इस क्वेश्चन के, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x इज 5 एंड माइनस 3 बाय 2, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।